बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मैथ का सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो हम नंबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नंबर्स जो है ना कई प्रकार के होते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। संख्या आपको पता ही है कि संख्या किसे कहते हैं, वो गणनीय वस्तु है जिनका उपयोग गिनने मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ नंबर्स है तो इसमें जो है ना हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, सम संख्याएँ आते हैं, विषम संख्याएँ आते हैं, पूर्ण संख्याएँ आते हैं, पूर्णांक आते हैं, ये सभी संख्याएँ आते हैं। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं एक्चुअल में है क्या ये नंबर्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा। नेचुरल नंबर फ्रेंड्स देखिए, नेचुरली मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जो हमारे मुंह से जो संख्या निकलते हैं, किसी भी चीज़ आपके सामने मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, अब आपको बोला जाए कि काउंट कीजिए, तो प्राकृतिक रूप से जो आपके मुँह से जो आपके संख्या निकल रहे हैं तो वो क्या होंगे, 1 2 3 4। ऐसा तो है नहीं कि 0 या -1 निकलेंगे, नहीं, तो उसे ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर हमेशा जो है 1 से स्टार्ट होता है और ये सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। 1 से अनंत तक जो सभी संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं और इसमें ना तो -1 और ना ही 0 को हम शामिल करते हैं। अब हम फ्रेंड्स थोड़ा जो है पूर्णांक के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में जो है इंटीजर्स बोलते हैं, इसमें जो है ना इसमें माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, 0 भी शामिल होता है और इसमें जो हमारा नेचुरल नंबर भी आता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, और 0 से जो संख्या ये स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, मतलब कि 0 और उसके बाद सभी नेचुरल नंबर, तो इसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जब नेचुरल नंबर के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे हम W से डिनोट करते हैं, 0 जब नेचुरल नंबर के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप जो है इसमें जो है माइनस वाले नंबर्स ले सकते हैं अनंत तक, ठीक है, और इसमें 0 और इसमें नेचुरल नंबर, इन तीनों के समूह को जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसमें क्वेश्चन जो बन के आते हैं इसमें आते हैं कि बताइए 0 जो है कौन सी संख्याएं हैं। तो 0 ना तो सकारात्मक संख्या है और ना ही नकारात्मक, ये एक प्रकार का इंटीजर्स है और ये पूर्ण संख्याओं में भी आता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है कि वे कौन सी संख्याएं हैं जो ना तो नकारात्मक है और ना ही सकारात्मक है, तो वो है 0 और उसे जो है हम पूर्ण संख्या में शामिल करते हैं। थोड़ा हम पूर्ण संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं और इसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम बोले कि 0 तथा नेचुरल नंबर के समूह को क्या कहते हैं तो उसे हम जो है पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं, देन उसके बाद पहले 0 स्टार्ट करते हो, इस साइड में जो दाएं साइड है इसमें प्लस वाले नंबर्स होते हैं और इस साइड में जो हमारे माइनस वाले होते हैं। तो बोला गया ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं, तो ये तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है और इसमें ऋणात्मक संख्या ये हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा नेचर, ये हमारा है पूर्णांक संख्या है इंटीजर, जिसमें -0 तथा प्लस इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 भी होते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। अब देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि 0 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, संख्याएं जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होते हैं, तो वो क्या है 0, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या पूछा गया, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो हम तो पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि जो इंटीजर्स होते हैं जिसमें 0 जो होता है ना, ना तो ये निगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी यहाँ पे बना था, संख्या जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, बट यहाँ पे पूछा गया है ना कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक वो धनात्मक, तो धनात्मक में सबसे छोटा जो है वो 1 ही है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो है D होगा, क्योंकि 0 तो ना तो ऋणात्मक है और ना ही जो है धनात्मक है, तो 1 ही हमारे पास है और ये जो इसके बाद जो इस साइड में होते हैं तो ये माइनस वाले होते हैं, ये प्लस वाले होते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे ही आते होते इजी हैं, थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको, तो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका तो हो जाएगा, अगर नहीं जाते हैं तो फिर नंबर सिस्टम में जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। अब देखिए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में आपको पता है कि 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक, तो ऋणात्मक में आता है निगेटिव नंबर्स -1 -2। और एक चीज़ आप जानते हैं फ्रेंड्स कि नंबर्स जितना भी बढ़ता जाता है ना, जैसे कि देखिए अगर आपसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा -10 और -1, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे -1 है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव नंबर्स में ना इसकी संख्या
नंबर्स में अगर माइनस का निशान है और ये डिजिट बड़ी होती है तो ये सबसे छोटा होता है। अब मान लीजिए, देखिए आपके पास 1 रुपये कर्ज है और आप किसी के पास 10 रुपये कर्ज है, तो सबसे आसान चुकाना कौन सा, सबसे आसान चुकाना 1 रुपये है ना, तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे सबसे ईजी होगा ये चुकाना। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जैसे भी जब भी निगेटिव नंबर्स में संख्या अगर बढ़ती जाती है, जैसे ये 100 है और अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी जो होगी वो ये वाली होगी, सबसे कम वाला डिजिट वाला जिसके आगे माइनस का निशान है, और ये सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव नंबर्स में जा रहा है, माइनस में, 100 माइनस में चला गया है। तो अब आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो है यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सी जो है हमारा सही होगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूछा गया, ठीक है, और ये सबसे छोटा होता है जैसे ही संख्या इसमें बढ़ती जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है एक क्षैतिज रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं 0 के ओर होती हैं। तो एक बार मैं संख्या रेखा में आपको बता देता हूँ कि क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स के टाइप है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका क्षैतिज रेखा है, और ये ऊर्ध्वाधर जो है ये वर्टिकल लाइन। तो इसमें जो है ना, जो हमारा ये नंबर लाइन बनता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऋणात्मक संख्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेते हैं। अब यहाँ पे एक 0 कर देते हैं, यहाँ इस साइड में हमारा जो है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इस साइड में जो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा पर ऋणात्मक संख्या जो है 0 के किस ओर होगी, तो 0 के जो है बाईं ओर होगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 के बाईं ओर होगी। तो इसका आंसर जो है हमारा बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन पर धनात्मक संख्याएं 0 के किस ओर होगी। तो वर्टिकल लाइन ऐसा जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। आप जानते हैं कि इसमें जो नंबर्स जो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो ऊपर में जो हमारे जो नंबर्स होते हैं ये प्लस वाले होते हैं, ठीक है, और नीचे में जो हमारे माइनस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन पर धनात्मक संख्याएं 0 के किस ओर होगी। तो यहाँ पे देखिए 0 है ये, और ऊपर में धनात्मक संख्या है, तो ये ऊपर वाली, तो सी सही होगा इसका। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक वो पूर्णांक मतलब कि निगेटिव नंबर्स को विषम बार आपस में गुना करने पर, मान लीजिए ये विषम संख्या है, ठीक है, 3, तो मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, इसको विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 3 times, ठीक है, 3 times, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि एक साथ जो है दो साइन यहाँ पे आपस में नहीं आ सकती, ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है, मैं इसे दोबारा लिखे। अब इसको हम विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव नंबर्स को, मतलब निगेटिव नंबर्स जो है हमारे पूर्णांक ही होते हैं। अब 2 × 4 और 4 × 8, अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो इनके जो साइन अगर सेम होते हैं माइनस वाले तो कट जाते आपस में, ये कट गए, बट यहाँ पे एक माइनस तो बच गया, तो 2 × 4 और 4 × 8 तो ये माइनस में ही होंगे, क्योंकि एक माइनस का साइन तो यहाँ पे बचा हुआ है, तो माइनस में 8 जो है, तो वो कौन सी संख्या है, क्या परिणाम मिलती है, तो वह है ऋणात्मक संख्या है। देखिए यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक को सम बार आपस में गुना करने पर, तो सम संख्या हमारी 2 होती है, 4 होती है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो है 3 ले लेते हैं, -3, इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 -3 -3, तो क्या होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 3 × 9 = 9 × 3 = 27 × 27 = 27 × 57 = 81, तो हमारे ये प्लस में आएगा क्योंकि ये चारों जो है माइनस वाले कट गए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फ्रेंड्स, यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह अलग अलग हों, देखिए नहीं ये वाला क्वेश्चन है, यदि भाज्य और भाजक का चिन्ह एक ही हो तो भागफल क्या होगा। तो देखिए हम ऐसे एक बार बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो हो जाता है भाजक, ठीक है, और ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाज्य है, तो इसका चिन्ह अगर सेम हो, यदि भाज्य और भाजक का चिन्ह एक ही हो तो भागफल क्या होगा। तो मान लीजिए इनका जो चिन्ह है, मान लीजिए माइनस माइनस में है, दोनों सेम ही है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि भाग हो रहा है ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 है भाजक माइनस में और ये भाज्य है -4, तो भागफल क्या होगा। तो आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, -4 को हम भाजक से भाग कर रहे हैं, मतलब कि -2 से, तो इससे ये कट गया भाग में, कट जाता है, और 2